कि दिल है दीवाना। आप दूर हो जाते हैं नवाजी, सुनिए कि दिल है दीवाना मुस्तफा। अगर मतलब आपने सुन लिया तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल कलाम सुनाऊंगा। आपने कंजूसी की तो दो शेर पढ़ करके अपनी जगह ले लो। आप फैसला करिएगा कि दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा ये दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए लाजवाब मतलब ये हल करता हूँ कि नाते पाक का सिर्फ बड़ा बहुत अजीब सा है। उलमा ये मौलाना जकी साहब अभी कह रहे थे कि नाते पाक का शेर कहना तलवार की धार पे चलना। किसी मुसन्निफ ने लिखा है कि नाते पाक इतना नाजुक मरहला है कि वही इस नाखून नाखून पर ताजमहल बनाना और नाते पाक का कोई शेर कहना उससे भी कठिन है। शेर पेश करता हूँ लहजा फरमाने। अब नासिर बाबू के नाते लिखना, नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लफ्ज़ों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आता नहीं, लफ्ज़ों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आता नहीं, लफ्ज़ों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आता नहीं, लफ्ज़ों से आते हैं आते हैं रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद। आते हैं बस उसी में रहा कीजिए। साथ में मैं मजबूरी में आया हूँ, दिल साहब ने कलेजा निकाल के आपके सामने रख रहे हैं और आप लोग फिर भी सो रहे हैं, बहुत फिर भी सो रहे हैं भाई। सबसे कह रहा हूँ फिर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, साधो सुभान अल्लाह, नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा जिंदाबाद, अजमत मुस्तफा जिंदाबाद। जनाब दिल खैराबादी साहब, सारे हजरात से गुजारिश है तवज्जो के साथ और दिल खोल के सुने, कान को खोल के बेदारी के साथ सुने और अपनी बेदारी का सबूत दें इन्हें। माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह साहब की जर्रा नमाज़ अल्लाह कबूल फरमाए। अब एक शेर पेश करता हूँ, जब अजमत मुस्तफा का जिक्र हुआ है पूरी दुनिया के शुरा मिल करके नात खानी कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, नात का हक फिर भी नहीं अदा। एक शेर हाजिर करता हूँ कुरान का तर्जुमा और ये मेरा शेर मुलाहिदा फरमा ले। लफ्ज़ों से डरा कीजिए कि बात वल्लैली की आ गई, रहमतों की घटा छा गई, बात वल्लैली की आ
रहमतों की घटा छा गई, जो मुझे बड़ा अजीज है, अल्लाह करे कि आपको भी अच्छा लगे। मुलाहिजा फरमा ले कि याद महबूबे रब्बुल उला, याद महबूबे रब्बुल उला हर जगह आके बसती नहीं। सुनिएगा कि याद महबूबे रब्बुल उला हर जगह आके बसती नहीं। याद उनकी बसानी हो तो दिल को मारे हिरागी दिल को मारे हिरागी जिए। आपकी अदालत में रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब का बयान होगा। ये शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। ये मक्का जो पढ़ रहा हूँ, इस तरीके की शायरी आज हिंदुस्तान में बहुत कम शोरा है जो करते हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं ये मंगाया गया, मैं 27वें जलसे में मेरी एंट्री हो गई, यही क्या कम है। आप इस हकीर को फिर मजबूती बख्शी है, अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए। अब ये शेर पेश करना, सारी फरमाइशें एक तरफ, माशाल्लाह। और लेके आओ बेटा, जल्दी जल्दी शेर सुनिएगा। दिल को गारे है राखी दिए के मैं कशी में अगर तुमको दिल परसाई की है आरज़ू। मेरे छोटे भाई इलियास साहब, सैयद बंदर साहब, तमाम साहबान को शरीक करता हूँ। कि मैं कशी में अगर तुमको दिल परसाई की है आरज़ू। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़े, अल्लाह 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 परसाई में कशी में अगर तुमको दिल परसाई की है आरज़ू। मैं कशी में अगर तुमको दिल परसाई की है आरज़ू। मेरे आका की मेरे आका जज़ाकअल्लाह। ये वही सैयद मंदर साहब है जिनको पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है कि मेरे लिए
मेरे वालिदैन तो नहीं थे, मगर उड़ीसा में आने के बाद ऐसा लगा कि मेरे वालिदैन अभी भी हयात से हैं। उड़ीसा वालों की मोहब्बत और खुसूसन हजरत सैयद कारी मंदर साहब के एक घर के एक फर्द का बेपनाह एहसान अजीम है। इस हकीर पर अल्लाह ताला खूब खूब उड़ीसा वालों को नवाजे। शेर मुलाहिजा फरमा ले कि मैं कशी में अगर तुमको दिल परसाई की है आरज़ू मैं कशी में अगर तुमको दिल